दोस्तों आज मैं निकली हूँ स्टूडियो के बाहर आपकी मुलाकात कराने हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार मिस्टर राकेश खन्ना से उस काका अरे काका तो वहाँ पतंग उड़ा रहे हैं दीपा चलो रोल 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 काका आप पतंग उड़ा रहे हैं अरे नहीं रे ये मेरा स्टाइल है रे काका आप तो सबके फेवरेट हैं लेकिन आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है लीजा रे और फेवरेट डायरेक्टर सत्यजीत रे आपने एक्टिंग बीच में ही क्यों छोड़ दी बिकॉज़ आई हेट टीयर्स रे मेरी एक्टिंग को देखकर पुष्पा तो क्या टिन कलर पिंपल भी रो देती थी रे आपका फेवरेट गाना कजरा रे कजरा रे लेकिन ये तो अमिताभ जी और अभिषेक का गाना है अरे दुनिया जानती है क्या आज की डेट में अभिषेक और मेरी वैल्यू एक ही यंग को कोई मैसेज देना चाहेंगे अरे दोस्तों पीता रहे और जीता रहे, because I hate tears. आज हमारे साथ है विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष मिस्टर वीजे थॉमस आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत वेलकम सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मेरे को मालूम नहीं आप लोग टीवी पे कब दिखाएगा सेफ साइड <laughs> सर हमारे सुनने में आया कि आप भी किसी स्कैम में पकड़े जा चुके हैं यस एब्सोल्युटली राइट वेरी शार्प यू नो एवरीथिंग सर कंफर्म करने के लिए थैंक यू लेकिन फिर भी सरकार ने आपको अपॉइंट कर लिया ओह गुड पॉइंट एक्चुअली सरकार के लोग को मालूम है कि स्कैम कैसे करने का वो थॉमस को मालूम है गुड पॉइंट uh -huh. पर सर एक स्कैम करने वाला दूसरे स्कैम करने वाले नेता को क्यों पकड़ेगा मैं पकड़ेगा नहीं मैं उसपे नजर रखेगा कि वो हमारे नेता लोग को हिस्सा बराबर देता है कि नहीं <laughs> तो क्या आप सिर्फ नजर रखेंगे Absolutely right. यही तो हमारे ग्रुप का काम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गुड पॉइंट सर सुप्रीम कोर्ट ने आपके अपॉइंटमेंट को लेकर सरकार से जवाब मांगा है वेरी फनी वेरी फनी सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं कि नेता लोग कुछ देता नहीं बल्कि लेता है गुड <laughs> पॉइंट आज हमारे साथ है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बिजनेस टाइकून मिस्टर सुकेश अंबानी जी आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत वेलकम टू आवर शो सर आप तो वक्त के बहुत पाबंद हैं आज लेट कैसे हो गए आज हुआ ये सुबह-सुबह मैं जब तैयार हो रहा था तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई मैंने देखा कि मेरे जूतों में सॉक्स नहीं है अब 18 माले का घर है इतनी ऊंची बिल्डिंग है तो ढूंढने में टाइम तो लग ही जाता है आर यू वोंट बिलीव 400 नौकर हैं घर में सब निकम में एक सॉक्स नहीं ढूंढ पाए तो मैं मजबूर हो के अपना प्लेन लेके मैं दुबई गया और वहाँ से सॉक्स खरीद के अभी वापस आया थोड़ा लेट हो गया सर हमारे सुनने में आया है कि इस मंथ का आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 70 लाख आया है जी मैं जानता हूँ गलत है आप ये मानते हैं कि ये बात गलत है बिल्कुल गलत है क्योंकि पिछले महीने मेरे इलेक्ट्रिक का बिल आया था 80 लाख रुपए तो इस महीने 70 क्यों आया मैंने कोई सामान तो कम किया नहीं लेकिन आप इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी का करते क्या हैं मैं चाहता हूं मुंबई इंडियंस इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस दें इसके लिए मैं सारे प्लेयर्स को चार्ज करता रहता हूँ आज हमारे साथ है फॉर्मर मिस वर्ल्ड द ब्यूटिफुल ऐश्वर्या पचपन रोय आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत वेलकम टू अर शो मैम थैंक यू हमने सुना है कि आपने कहा है कि अब आपका फिल्मी करियर रोशन हो गया है क्या ये बात सच है ऑफ कोर्स मैंने रोशन से गुजारिश की उन्होंने गुजारिश मान ली और आप देखिए आज मैं रावण के चंगुल से बाहर आ गई सॉरी <laughs> हमारे सुनने में आया है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने मीडिया में एक बाइट दी उसके बाद आपके हस्बैंड आप पे बहुत नाराज हुए क्या ये बात सच है या yeah.

तो 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 कुछ भी कहता रहता है। 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 सिर पे इतनी इतनी मस्ती मजाक करता केमिस्ट्री 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 मेरी मेरी बचपन से बहुत अच्छी 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 आपको कॉलेज में में मैं मैं टॉप टॉप। आई थी तब जब पॉलिटिक्स और हिस्ट्री अच्छी हो जाए। आज हमारे साथ है बैंड मास्टर वेलकम जी आप कहते हैं जो लोग शादी करते हैं वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते वो क्यों भाई आपने किसी दूल्हे को देखा होगा घोड़ी के ऊपर बैठा रहता है चेहरा डाले रहता है चेहरा छुपाए रहता है ये क्या है? है बात कर रही है अवेक ओबेरॉय की शादी में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो कैसे भाई अवेक की शादी की याद मत दिलाओ बड़ी दिक्कतों से गुजरा मैं अब अवेक की बारात जा रही है सारे बाराती जा रहे हैं मैं आगे आगे बैंड बजाते जा रहा हूँ अचानक जो है ओवराइज की किसी हिट फिल्म का गाना बजाओ लो जी बारात रुक गई मैंने बैंड वालों से कहा भाई इधर आ जाओ सब लोग अब एक की कोई हिट फिल्म सोचो लो जी डेढ़ घंटा हो गया दो घंटा हो गया बारात वहीं रुकी हुई है आपको गे मैरिजेस बहुत पसंद है भाई जो गेरों को शादी होती है उसमें हमारी डबल इनकम होती है उनकी जो रस्म है वो दोनों तरफ से होती है है जी दो बार होती है उनकी रिंग में दो बार टीका दो बार बारात दो बार रिसेप्शन है डबल इनकम हो रही मेरी यहाँ तक कि मैंने देखा है उनकी विदाई भी डबल होती है